So good morning guys, today is the third day of our trip, third and last day of our trip और हम लोग आज सिलीगुड़ी की तरफ निकलेंगे यहाँ से. अभी हम लोग लेप्चा जगत पे हैं, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आप लोग यहाँ पे एक दिन आके रह सकते हो. अभी तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा चेकिंग करके ऊपर जाएंगे और आज अच्छा धूप निकला है तो होप हम लोग यहाँ से कंचनजंगा भी देख पाएंगे. तो आई विल शो यू दैट इन अ बिट ऑफ टाइम. और अभी फिलहाल हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आप उसका थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ. ऊपर में ये एक रूम है. दिस इज वन ऑफ द रूम. एग्जैक्टली हम लोग का भी सेम ही रूम है. थोड़ा मैसी हो रखा है बट देख लीजिए. दिस इज आवर रूम. दिस इज द बाथरूम. और चलते हैं बाहर. हेलो गाइस, सो हम लोग अभी ट्रैकिंग पे निकल चुके हैं और अभी देखते हैं जाके ऊपर कि कंचनजंगा दिखता है कि नहीं. तो चलिए देखिए पहले पाथ कैसा है. सो दिस इज द पाथ दैट यू हैव टू गो थ्रू. और ऐसा बनाया हुआ है लकड़ी, सो इट्स लॉट ईजियर टू क्लाइंब अप. और चलिए देखते हैं. 10 मिनट का वॉक है बोला यहाँ से. 10 मिनट बाद आपको कंचनजंगा दिखेगा होप, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट ही उठे सुबह. वी आर प्लानिंग टू वेक अप एट 7 बट इतना अच्छा मौसम था कौन हटाए चद्दर, तो ब्लैंकेट हटा नहीं पाए. तो 8:30 बजे के बाद ही उठे हम लोग. चलिए देखते हैं ऊपर कैसा वेदर होता है. सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और सडनली थोड़ा सा आगे जाकर दिखाता हूँ आपको. सडनली खूबसूरती इन बल्क आ गया है, ब्यूटी इन बल्क. सो गाइस, दिस इज कंचनजंगा. तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है. ये ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फैमिली आया हुआ है एंड दिस इज द एंटायर एरिया. कंचनजंगा राइट ओवर देयर एंड दिस इज एवरीथिंग दैट यू कैन सी. तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे. हो गया हम लोग का यहाँ का व्यू, हम लोग देख चुका. इट इज़ वेरी फैंटास्टिक. और अभी हम लोग यहाँ से पहले होटल जाएंगे. वी हैव आवर ब्रेकफास्ट फर्स्ट, देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे पोखर की ओर. वहाँ से घूमने के बाद अपना लगेज यहाँ से लेके फिर हम लोग निकल जाएंगे सिलीगुड़ी की तरफ. तो चले गाइज निकलता हूँ यहाँ से. सो गाइज अब हम लोग पहुँच चुके हैं जोर पोखरी और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है. वेदर बहुत ही ठंडा है. सुबह में तो धूप उगा हुआ था सो इट वॉज नॉट दैट कोल्ड. अभी थोड़ा थोड़ा करके ठंडा बढ़ रहा है. जोर पोखरी में आपको बस ये एक ऐसा
पोखरी मिल जाएगा, पॉन्ड टाइप का बनाया हुआ आर्टिफिशियल पॉन्ड इसमें। हाँ थोड़ा बहुत फिश है, ये है जोड़ पोखरी, और ये ऊपर जाने के लिए कुछ छोटा मोटा सा ये लोग बनाया हुआ है, और वो रहा एक होम स्टे। और यहाँ पे एक यहाँ पे बहुत सारा होम स्टे है, सो इफ़ यू आर विलिंग टू कम हेयर यू कैन कम डायरेक्टली। अगर आप लोग किसी ब्रोकर का फ़ोन करते हो तो दे विल चार्ज मच हायर देन व्हाट इज़ द रियल प्राइस, द रियल प्राइस। और ये रहा एक फिश, सो गाइस बेटर यू कम बाय योरसेल्फ एंड सर्च फॉर अ होम स्टे, इट विल बी मच चीपर। क्योंकि मेरे को तो यही मालूम चला, हम लोग जो होम स्टे में थे वो होम स्टे जितना चार्ज करता है ब्रोकर हम लोग से लगभग उसका 50% ज़्यादा चार्ज किया हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पे होम स्टे जो है विद इन 1000 to 1200 का अंदर में मिल जाएगा अच्छा से अच्छा। और अगर आप ऑफ सीजन में आते हो तो 700 to 800 में भी आपको होम स्टे मिल जाएगा यहाँ पे। चलो भाई यही सीखते हो ट्रैवलिंग से, यही एक्सपीरियंस है आपका। क्योंकि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा डरता था कि अगर मैं जाऊँगा मेरे को रूम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू ट्रैवल एंड इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस कहीं भी रह सकते हो आप। ये भी एक होम स्टे ही है मेरे ख्याल से, या शायद नहीं पता नहीं, होम स्टे जैसा लग रहा है। और यहाँ पे एक घर है, बहुत ही पीसफुल है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू कम हेयर जोर पोखरी आपका मतलब इसमें आ जाएगा, ये आप अगर रिजर्व करते हो गाड़ी तो इसी में। एक नेपाल साइड में दिखाया, वो कुछ इतना खास नहीं था, नेपाल साइड का कुछ व्यू था। और ये एक जोर पोखरी और एक ऑरेंज बगान बोल के कुछ है, तो वहाँ तो हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग का लेट हो जाएगा सिलीगुड़ी जाने में। सो वी हैव बुक्ड आवर व्हीकल फॉर ओनली दिस जोर पोखरी एंड वन वॉज नेपाल का वो जो व्यू। बट सो गाइज यहाँ पे दो पोखरी बोलते हैं हम लोग, लेक जो आर्टिफिशियल लेक है ये, तो वो वाला लेक तो ऐसे विजिटिंग के लिए बनाया हुआ है, उसमें फिश है ऐसे ही, और ये वाला लेक ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस वहाँ पे लिखा हुआ है ये बोर्ड में। हमको ऐसा लगा कलर क्यों इतना डिफरेंट है इसका, तो फिर यहाँ पढ़ने के बाद मालूम चला हमें कि दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। तो ये रहा यहाँ का पोखरी, और वहाँ पे मंदिर है तो चलिए मंदिर भी थोड़ा देख लेते हैं। हाउ इज़ द टेम्पल, यहाँ से भी जाते हैं, पता नहीं यहाँ से कहाँ जाते हैं, थोड़ा घूम लेंगे वो भी दिखा देते हैं आपको। सो अब हम लोग बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। इस ट्रिप पे हम लोग बहुत मंदिर घूमा, लेकिन कुछ घुमा या ना घुमा मंदिर बहुत घुमा हम लोग, मंदिर मिलता गया रास्ता में। चलो विच इज गुड इन वे। और यहाँ का कौवा लोग भी तो अलग टाइप का है, गला बैठा हुआ है कौवा लोग का, मोटा मोटा टाइप का आवाज है, ठंडा का कारण सब कौवा लोग का गला बैठा हुआ है, काई काई का बंदे कौं कौं कर रहा है, सुन रहे हैं आवाज, ठंडा से बैठ गया आवाज लोग का भी। दिस इज आवर लॉर्ड गणेशा,
तो लगता है व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि सब चीज़ सब डिटेल में नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना हो सके उतना व्लॉग को छोटा करने का कोशिश करेंगे। गॉडेस काली। सो गाइस, जो अभी दो साइकिलिस्ट जा रहे थे उनसे हम लोगों ने पूछा आगे क्या है। आगे कुछ भी नहीं है असल में, बस ये थोड़ा डेंस हो जाएगा तो हम लोग वहाँ तक जाएंगे, थोड़ा सा देखते हुए वापस आ जाएंगे। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं आगे है क्या। थोड़ा बहुत साइड में बैठने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे, पीसफुल लोकेशन, और कुछ खास है नहीं। अगर कंपनी अच्छा हो तो यहाँ पर आराम से बैठ के 2-3-4 घंटा सिर्फ बातें हो सकती है, और मेरा कंपनी तो बहुत अच्छा है। मेरा कंपनी आपको दिखा नहीं सकता मैं, कुछ साल बाद जब ऑफिशियल हो जाएगा तब अपना कंपनी दिखाएंगे आपको। हाँ तो देखिए ये है गाइस बैठने का कुछ जगह साइड में, एंड फर्दर इफ यू गो वी सी सेवरल मोर डेंस एरिया। बस यहाँ बैठने का जगह ही है कुछ, बट ब्यूटीफुल। यहाँ पे कोई यूजुअली बैठता नहीं है, कैसे मालूम चला, क्योंकि वहाँ पे एल्गे जमा हुआ है पूरा। हम लोग थोड़ा सा बैठ के यहाँ का एल्गे साफ कर देते हैं तो एल्गे साफ हो जाएगा। ये गया एक गाड़ी ब्लू कलर का चार चक्का वाला, मतलब व्लॉगिंग का तो बोलते रहना पड़ेगा क्या। रास्ता, आसमान, बादल, हवाएं, प्रकृति का स्पष्ट, दो गाड़ी। तो गाइस लद्दाख का मूव है ये, यहाँ ना करें क्योंकि यहाँ पे द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यू कैन कम हियर एंड सिट। ऐसा दौड़ने का मेरे को ज़रूरत नहीं लगता, आपको लगता है तो आप दौड़ सकते हो। और हमारा यहाँ पे ये ट्रिप ख़त्म होता है, अब हम लोग सिलीगुड़ी के ओर निकलेंगे यहाँ से, और थोड़ी देर बैठ के इन्जॉय करेंगे ये नेचर को, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, और ये ट्रिप का एंडिंग हमारा हो जाएगा। और नेक्स्ट ट्रिप की तरफ हम लोग जब जाएंगे तो फिर अगेन आई विल ब्रिंग अ न्यू वीडियो विथ न्यू प्लेस। तो साइनिंग ऑफ योर फ्रेंड दिवाकर प्रसाद एंड योर चैनल वेनम एडी इज साइनिंग ऑफ राइट नाउ, एंड होप यू लाइक आवर वीडियो।